मेरा नाम डॉक्टर मोहित मोगे है। मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ ग्वालियर में। अपोलो हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट की तरह वर्क करता हूँ और मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी अरुणोदय मेंटल हेल्थ केयर क्लिनिक जो कि जीवाजीगंज में स्थित है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जिस बीमारी का नाम है स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मनुष्य को जिसमें आदमी को ऐसी तकलीफें होती हैं जो मनुष्य या आदमी एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने तरीके से। जैसे उसको अलग प्रकार की आवाजें आना, जब वो अकेला बैठा हो, उसके कमरे में कोई आसपास ना हो, उस टाइम पे उसको ऐसी अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देना जो केवल उसी को सुनाई देती हैं, बाकी और किसी को सुनाई नहीं देती। फिर उसको ऐसा लगना कि उसके बारे में कोई बातें कर रहा है, उसको देख के हंस रहा है, उसको इशारे कर रहा है, उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, ऐसा उसको लगना। तो इस केस में धीरे धीरे वो आदमी अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने काम से दूर होता जाता है, जो कि एक बहुत 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 स्ट्रेसफुल, अपन कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रेस रहता है इस चीज का उस पेशेंट को भी, उस इंसान को भी और उसके परिवार वाले को भी। अब स्किज़ोफ्रेनिया में इसके कारण क्या होते हैं? कारण जानने के लिए सबसे पहले अपने को ये जानना चाहिए कि स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे बड़ा मुख्य कारण स्ट्रेस अपन बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को झेल पाते हैं, कुछ बंदे ने या उस इंसान ने अपने दिमाग पे अगर स्ट्रेस पाल लिया तो डोपामिन नाम का एक न्यूरो ट्रांसमीटर या एक रसायन अपन बोल सकते हैं जो अपने ब्रेन में रहता है, उसका कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट, उसका क्वांटिटी का डिस्टरबेंस होता है अपने ब्रेन में। कहने का मतलब ये है कि डोपामिन अपने ब्रेन में इस बीमारी में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से फिर व्यावहारिक दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे शक होना, आवाजें सुनाई देना, ऊट पटांग बातें करना, अकेले में बैठ के हंसना, बातें करना, खुद से इशारे करना, तो ये सब व्यावहारिक दिक्कतें चालू हो जाती हैं। और सबसे सबसे मुख्य जो एक अपन वो मान सकते हैं वो होता है नींद। नींद नहीं आती पेशेंट को, सो नहीं पाता पेशेंट, तो उसकी वजह से उसका और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाते हैं। अब एक सवाल दिमाग में ये आता है कि भाई ये कितने दिन तक अपन बोल सकते हैं कि ये जो चीज है ये कितने दिन तक देखी जाए तो अपन इसको स्किजोफ्रेनिया में लेबल कर सकते हैं। तो ये इसका पीरियड रहता है 6 महीने का। 6 महीने तक या 6 महीने से ज्यादा अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट में, ये लक्षण दिखते हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ ये स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट ऐसा रहता है कि अब दिमाग में वही सवाल आता है कि इसका इलाज क्या है। इलाज वही है कि लोग कई बार सोचते हैं कि इसमें काउंसलिंग करा लें। देखिए काउंसलिंग का इन चीजों में, इस बीमारी में इम्पोर्टेंस तब है जब पेशेंट आपकी बात सुनने लायक हो। अधिकतर 95-99% केसेस में पेशेंट या तो एकदम ही अपने ही दुनिया में रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता, अकेले रहता है, नहाता धोता नहीं है, अपने केयर नहीं करता, या फिर इतना आक्रामक और इतना वॉयलेंट होता है कि आप उसको अपनी बात सुनाने जाएंगे तो शायद वो आप पे हमला कर दे, खुद पे हमला कर दे। तो ऐसी कंडीशन में काउंसलिंग का रोल बहुत कम हो जाता है। ये एक्यूट कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इमरजेंसी।
इस टाइम पे काउंसलिंग का रोल बिल्कुल नहीं है, तो अब क्या करें? तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर से मिले, साइकाइट्रिस्ट से मिले। इसका ट्रीटमेंट केवल साइकाइट्रिस्ट के पास ही होता है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि सिजोफ्रेनिया में जो दवाइयाँ रहती हैं उसका कैसा डोज है, कितना डोज देना है, कितने दिन तक देना है, एडजस्टमेंट, ये स्पेशलिस्ट ही जान सकता है। तो जरूरी है कि स्पेशलिस्ट से मिले आप, साइकाट्रिस्ट से मिले। सेकेंडली, दवाइयों के साथ साथ अगर अपन पेशेंट अगर कुछ खा पी नहीं रहा है ना, और बाथरूम या स्टूल्स पास नहीं कर रहा है, मोशन नहीं हो रहा उसको, तो एडमिट करना बहुत जरूरी होता है। अब दिमाग में आता है एडमिट कब कब करें, जब पेशेंट खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस केस में, या दवाई नहीं खा रहा है उस केस में एडमिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। उस केस में हमें एडमिशन, पेशेंट को एडमिट करना बहुत जरूरी हो जाता है हॉस्पिटल, और इन पेशेंट्स का सपोर्ट करना। थैंक यू।